बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 7.3 एंड 7.4 को सॉल्व करेंगे तो असाइनमेंट नंबर 7.3 के स्टेटमेंट पर चलते हैं स्टेटमेंट है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ अ कार हुज मास इज 1400 केजी एंड हुज शॉक ऑब्जर्वर्स हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 6.4 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर मीटर आफ्टर हिटिंग अ बम्प यहां पर कहा जा रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना एक आ, कार का जिसका मास है, और इसका स्प्रिंग .4 न्यूटन पर मीटर है जब वो बंप को हिट करेगा अज्यूम शॉक ऑब्जर्वर आर पुअर आपने ये अज्यूम करना है कि शॉक ऑब्जर्वर जो है वो सही हालत में नहीं है सो द कार रेली ऑसिलेट अप एंड डाउन और आपकी कार जो ऑसिलेट करेगी अप एंड डाउन सही तो हमें जो है ड्रॉ करना है हमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट गिवन किया गया है हमें क्या करनी है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और हमें जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम होता है टी पाईम के राइट तो मास ही में गमिन किया गया है और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट में गिवन किया गया है तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा दैट इज पॉइंट नाइन डबल टू सेकंड जब हमारे पास टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकाल लेंगे दैट फ्रीक्वेंसी इज एज ऑफ टाइम पीरियड

फर्स्ट टाइम दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज टू सेंटीमीटर आपने वो टाइम कैलकुलेट करना है कि जब इसका displacement कितना हो जाएगा टू सेंटीमीटर हो जाएगा ये हमें जो है वो करना है सही तो इसका डेटा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इससे पहले हमें जो है कंडीशन की वेट एक्स इक्वल टू यानी फेस के हमारे पास इक्वेशन को यह चेंज करके प्रोवाइड करोट तो कॉस टू बाई एफ टी कह रहा है कि आपने ये कंडीशन को इस्तेमाल करना है तो ये कंडीशन कैसे है कि इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे गिवन कर किया गया है उसको uh, तो हम लोग कन्वर्ट लेंगे मीटर के अंदर जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मीटर फिर हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन की जा रही है दैट इज पॉइंट फोर नाइन जीरो हर्ड्स और फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है वो टू uh, सेंटीमीटर uh, का है यानी कि आपने जो है वो टू सेंटीमीटर के लिए जो है वो टाइम इंस्टेंट निकालना है यानी कि किसी भी इंस्टेंट के अगर आपका डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर है तो टाइम क्या होगा ये आपने कैलकुलेट करना राइट right. तो सोल्यूशन में हम लोग जो है वो फेज का यहां पर फॉर्मुला इस्तेमाल करते हैं दैट इज ओमेगा लेकिन यहां पर हमारे पास जो है वो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन की गई है तो जब भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन की गई तो इसको एंगुलर जो है वो वेलोसिटी को हम जो है फ्रीक्वेंसी की टर्म में जो है वो कन्वर्ट करा सकते हैं दैट वी नो दैट ओमेगा ओमेगाक्वस टू टू पाई अपॉन टी फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन राइट सो वन अपॉन टी हमारे पास के होता है। so, क्या हो जाएगा टू राइट right. so, जाएगा जाएगा? Right. करना हमने ये हमने निकालना है कि जो कॉस का फंक्शन है इसके अंदर टाइम है ये निकालना है तो फिर मैं क्या करूं एक्स को वहां ले जाकर डिवाइड करवा दूंगा और कॉस को वहां शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स डिड बाय एक्स नॉट हमारे पास अलग हो जाएगा तो एक्स एक्स को आप डिवाइड करवा के केस इनवर्स निकालेंगे लेकिन ये आप निकालेंगे रेडियन के अंदर कॉस इनवर्स आपने रेडियन के अंदर निकालना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आ, जो है वो जो ऑसोलेशन के लिए जो हमारे पास एंगल बहुत कम होता है दैट्स हम क्या करते हैं रेडियन एंगल यहां पर जो हम मेजर करते हैं तो रेडियन एंगल वापस कितना आ जाएगा वन पॉइंट टू रेड राइट तो हमें तो क्या करना है हमें टाइम पीरियड निकालना है तो उसका मतलब ये है कि टू पाई को वहां से ले जाके नीचे ले आऊं डिवाइड करवा दूं तो ये पॉइंट टू गलत दिखा हुआ है बेसिकली वन पॉइंट के साथ आप पाई को राइट, ये नहीं है राइट फाइव टू नहीं है ये थ्री है यहां पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा डिवाइड करवा देंगे आप टू पाई एफ के साथ राइट तो जब आप इसको से डिवाइड करवाएंगे तो कितना जीरो